जाल लगाए जी और ये फंस भी गया। उस दिन मार मर गया होता लेकिन दोस्तों ये परसों शाम से ही फंसा हुआ है ना सर। जी सर। तो और है इनके पास कोई? अच्छा ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ जौनपुर सिटी से दोस्तों, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर। ये डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों एक ऐसी पावन सरजमी है। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और इस सरजमी को भी प्रणाम करता हूँ। और चलता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ कि साफ है कौन सा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। फटाफट के अंदाज में दोस्तों नजर जमा रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये हमारे सर हैं जिन्होंने हमको याद किया, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। इन्होंने वीडियो देखा और कैसे क्या माजरा है, छुपी चीजें आपके सामने। सर आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सब कुछ। मैं सत्यवास्कर ग्राम सिंह गौरा। और सर मैं आपके वीडियो देख करके सांप को पूरी तरह से पहचानता हूं और आपके सारे वीडियो लोड जितने होते हैं मैं सब देखता रहता हूं। और जैसे मुझे आभास हुआ कि ये कोबरा है, मैंने आपको कॉल किया और इसके लिए आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपका दर्शन हुआ। हाँ, गोरखपुर है और ब्लॉक बिलघाट है, जस्ट आपका मुख्यालय बगल में है। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप। दोस्तों ये बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रहन सहन है। वैसे तो दोस्तों ये जो भी सामान है कूड़ा कबाड़ पीछे रखा हुआ है और बगल में एक मकान भी है उसी के दोस्तों अंदर ये है। ये आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ है, लकड़ियाँ रखी हुई है, इधर भी लकड़ी है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जाल लगाया हुआ है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सर जी से, ये जाल सर क्यों लगा है? सर ये जाल कल उसी के लिए, हाँ परसों कोबरा दिखाई दिया था जी, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सोचे कि कहीं दोबारा घुस ना आए जी। बाहर इसको ढकेल दिया था तो पुनः ये आया अपनी जगह पर, शायद ये आया है थोड़ा सा बाहर जिंदा बचाना चाह रहे थे ना, मारने के लिए। सर उस दिन मर गया होता लेकिन जिंदा। चलिए अच्छा, ब्लेट है, ब्लेट ब्लेट ला, ब्लेट फटाफट लाइए। हाँ दोस्तों ये परसों शाम से ही फंसा हुआ है ना सर। जी सर। तो अगर ये बच नहीं पाता, आते नहीं इतनी दूर से, जी सर, तो इसे कौन बचाता? ये तो अपने आप मर जाता। सही है, मैं आपको याद किया हूँ ना। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये बुरी तरह से सिरा के फंस चुका है। पकड़ सकते हैं इसको? अरे डर तो लगता है। चलिए सुनो भाई, खतरनाक तरीके से फंस गया इसके अंदर। कैंची है? कैंची कैंची ना, कैंची। हेलो, अम्मा आगे से हट जाए वर जाए। Oh, my God.
फसला कहते हैं, फसला जी, फसला है जी। इसी फंसाने के लिए लाए थे क्या? मैं ही कोई बच्चा लाया है, छोड़िए थोड़ देर। अरे राम तेरा तोड़ दो काम वाले उनके नारे हो जाते हैं। हर का क्या तंत्र आपको? हर जाना नहीं है, हर जो तालिका देख ले होता है। देख इन जगह पर नहीं है, देख इन जगह पर नहीं है, किनके हैं? कहाँ हैं? इधर स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों इसे तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना सांप है। हमारे यहाँ इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, और उड़ीसा में दोस्तों इसको नाग या गोखुरा के नाम से भी जानते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर इसको फिटार के नाम से भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर दोस्तों इसको पलटू भी बोलते हैं। बिहार में इसको गेहूअन बोलते हैं, और साइंस इसको नाजा नाजा बोलता है। बहुत सारे नामों से दोस्तों ये जाना जाता है। दया नाम की चीज़ मालिक ने इंसानों में दे रखा है, इसलिए दोस्तों इसको बचाना बहुत ज़रूरी था। 150 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आना था। दोस्तों इस तरीके से बेजुबान को बचाने का जो मेरा प्रयास है लोगों को जागरूक करना, तो देश के कोने कोने दोस्तों हमारी टीम पहुँचती है। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई 4.5 फीट के आसपास है, इसे आप देख लीजिए। दोस्तों ये ब्राउन कोबरा है। कोबरा की कई प्रजातियाँ होती हैं, सिर्फ रंग बिरंगों में डिफरेंस होता है। और इनके अंदर दोस्तों जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है उसके काटने के बाद दोस्तों इसके काटने के बाद में इंसान को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से सारे अंधविश्वासों ने हमारे भारत को जकड़ रखा है। इसके काटने के बाद लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं, और जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। बाहर लेके से निकल वैसे दोस्तों ठंडक का महीना है, ठंडक से बचाव के लिए और कभी कभी भोजन की तलाश में भी ये हमारे घर के अंदर रहते हैं। घर के अंदर दोस्तों जहाँ पर कूड़ा कबाड़ सामान इकट्ठा रहता है वहीं पर ये सांप ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों इसके पीछे का जो हुड है उसको देख के आप समझ सकते हैं इसका नाम स्पेक्टिकल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फन के पीछे जो स्पेक्टिकल्ड ऐसा बना है, स्पेक्टिकल्ड मीन्स होता है चश्मा, और चश्मे के आकार का डिज़ाइन बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। वैसे दोस्तों इसको देख के आप समझ सकते हैं ये काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है। सर इसको आप खिलाए बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ कैप्चर करने के लिए। कृपया अपना नंबर बता दें, अगर यूट्यूब नंबर यूट्यूब में आप सब करेंगे। दोस्तों इसे पैक कर लिया गया, जौनपुर से पहुँचे हैं सुबह। जौनपुर से तो दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक बेजबान को बचा लिया गया, और सर जी का कहना है और अपनी भी सोच है कि चलते हैं। दोस्तों अगल बगल में कुछ गरीब परिवार भी हैं जो उनके पात्र हैं, तो ठंडक का महीना है ऐसे में उनको एक कंबल की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करते हैं। सर जी बताएंगे किसको किसको देना है। अच्छा अच्छा चलिए सर।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये माता जी की स्थिति ठंडक लगती है। कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी बच्चा हम और है उनके पास कोई बच्चे हैं? बच्चे हैं लेकिन वो भी निराश्रित मतलब कमाने वाले नहीं हैं, मजदूरी करके ही बेरोजगारी है एक तरह से। तो दोस्तों ये होती स्थितियाँ, ठंडक का महीना है और दादी अम्मा यहाँ हैं, इनके घर परिवार में कोई ऐसा है नहीं जो कमाने वाला है। चलिए मैं इनकी छोटी सी हेल्प करता हूँ। अरे नहीं माता जी, आपका मैं चाहिए। दोस्तों माँ तो माँ होती है, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं जाना तो एक दिन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों इंसान होने के नाते इंसानियत भी होनी चाहिए। और माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जाएँ फिर आएंगे। ठीक है ठीक है, ठंडक का महीना है, बच्चे को सिर्फ आशीर्वाद दीजिए बस, और कुछ नहीं। कैसे हैं, ठंडक लगती है आपको? कम, बहुत कम, बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम सुनाई। अच्छा ठीक है माता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने घर के आसपास, अगर कोई भी गरीब परिवार है तो उसकी हेल्प कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को चाहिए। दो तीन ले लो।